Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. Face, lips, body ये सब हम scrub करते ही है. क्या आप अपने scalp को भी scrub करते हो? Just like our face and body, scrubbing scalp is also very important. हमारे hairs में जितने भी सारे problems आते हैं वो सभी problems आते हैं हमारे scalp से. अगर आपकी scalp healthy है तो आपके hairs भी healthy रहेंगे. इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक क्विक इजी DIY स्कैल्प स्क्रब शेयर करने वाली हूँ. इसी के साथ साथ क्यों आप स्कैल्प स्क्रब यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड शेयर दिस वीडियो. हियर इज माई इंस्टाग्राम ID, इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड नाउ लेट्स क्विकली जम्प टू द मेन वीडियो. सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्यों आपको स्कैल्प स्क्रब करना चाहिए. जस्ट लाइक अवर फेस एंड बॉडी, हमारे स्कैल्प पे भी डेड स्किन सेल्स होते हैं जिसे स्क्रब करके रिमूव करना बहुत ही जरूरी है. स्क्रब करने से हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ एंड जो भी प्रोडक्ट्स के बिल्डअप होते हैं वो इजिली रिमूव हो जाते हैं. ऑल्सो स्क्रबिंग स्कैल्प रियली इम्प्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन दैट प्रोमोट्स हेयर ग्रोथ. इसके अलावा स्क्रब करने से हमारे स्कैल्प पे जितना भी एक्सेस ऑयल ग्रिजीनेस होते हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं. ड्राई एंड इची स्कैल्प के प्रॉब्लम को भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. सो चले अब DIY स्कैल्प स्क्रब बना लेते हैं. स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए पाउडर्ड शुगर. एकदम पाउडर्ड मत बना लेना, शुगर को इस टाइप बना लो. नेक्स्ट इसमें मैं कोकोनट ऑयल ऐड करूंगी. आप ऑलिव ऑयल या फिर आमंड ऑयल भी यूज कर सकते हो. अब इसे अच्छे से मिक्स कर लो एंड आपका स्कैल्प स्क्रब इज रेडी. इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हो. जब भी आप इसे यूज करोगे इसी के साथ 1 टेबलस्पून हनी और एलोवेरा जेल मिक्स करके यूज कर लो एंड देन शैम्पू एंड कंडीशनर यूज कर लो. अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है बट स्कैल्प स्क्रब भी करना है इस सिचुएशन में इस स्क्रब को आप आपके फेवरेट शैम्पू के साथ मिक्स करके यूज कर लो. स्क्रब करने से पहले बालों को डिटेंगल कर लो एंड पूरे स्कैल्प को गीला कर लो. अब ये स्क्रब यूज करके जेंटली आपके स्कैल्प को स्क्रब कर लो. 5 to 10 मिनट्स आपको जेंटली स्क्रब करना है एंड देन वॉश कर लीजिए. शुगर स्कैल्प को अच्छे से स्क्रब करते हैं. कोकोनट ऑयल स्क्रबिंग के बाद स्कैल्प ड्राई होने से बचाता है. हमने इसे स्क्रब पे शैम्पू ऐड किए. इसे आपको अलग से शैम्पू यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. फर्स्ट टाइम ही आपको रिजल्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा. स्क्रब करने के बाद आपके हेयर फॉल थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाएगी. हेयर बहुत शाइनी, सॉफ्ट एंड मैनेजेबल भी हो जाएगी. इसी के साथ साथ डैंड्रफ, इची स्कैल्प के प्रॉब्लम भी काफी हद तक कम हो जाएंगे. ध्यान रखना हेयर वॉशिंग के टाइम आपको अच्छे से वॉश करना चाहिए ताकि स्कैल्प पे कुछ प्रोडक्ट रह ना जाए. तो मैं जल्द से मिलती हूँ हेयर वॉश करने के बाद. हेयर वॉश हो गया एंड अभी मेरे हेयर 50% ड्राई है तो मैं बस सीरम लगा के कॉम्ब कर लूंगी. वीक में बस एक ही दिन आपको स्क्रब करना है एंड हमेशा ध्यान रखना कभी भी गीले बालों में कॉम्ब मत करना, इससे हेयर फॉल होते हैं. तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक करना एंड शेयर भी करना. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. बाय बाय.